देखिए वजीर आजम ये सवाब दीद है किसको क्या जिम्मेदारी सौंपते हैं। सब मेंबरान जो हैं तहरीक इंसाफ के वो उनकी टीम का हिस्सा हैं और वो टीम के कप्तान हैं, तो उन्होंने फैसला करना है कौन कहाँ खेलेगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है और किससे क्या काम लेना है। असद उमर साहब हमारी टीम का एक नुमाया चेहरा, मैं उनकी खिदमात का एतराफ़ करूंगा। तहरीक इंसाफ के कार के वो एक सफ़े अव्वल के सिपाही हैं, थे हैं और रहेंगे। उन्होंने मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली, जिस हालत में उनको मईशत मिली वो किसी से पोशीदा नहीं है और उन्होंने दयानतदारी से ईमानदारी से अपना काम किया और आज उन्होंने अपने ओहदे से सबकदोश हुए हैं। वो हमारा हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे इंशाल्लाह, और हम उनके उनके ख्यालात से मुस्तफीद होते रहेंगे इंशाल्लाह। असद उमर साहब एक ऐसे आपके अपना एमएनए हैं जो कि इलेक्शन से पहले ही खान साहब ने उन्हें कह दिया था कि वो वजीर खजाना होंगे, ऐसी क्या वजूहत थी कि उन्हें बजट से पहले जबकि वो बाकी आलमी इदारों से भी मामला तय कर चुके थे तो क्यों उन्हें हटाया गया, वजह क्या बनी? मेरे इल्म नहीं है, मैं तो आपके सामने मुल्तान में हूँ, लेकिन असद उमर साहब यकीनन उन्होंने, मैं पहले अर्ज कर चुका, बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने अपना काम किया और अच्छा काम किया। जिस किस्म की मईशत उन्हें मिली वो किसी के लिए भी आसान न थी। मैंने पिछले हफ्ते भी आया था, मैंने कहा था कि माशी मुश्किलात का सामना हुकूमत को है और उसकी वजह है कि अगर आप अदाद व शुमार को देखें कि जब तहरीक इंसाफ इक्तदार में आई तो तारीखी तजारती खसारा उसको मिला, मालियाती खसारा आपके सामने है, 6.6% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट था, कर्ज नई हदों को छू रहे थे और पिछली हुकूमतों ने बेदरेग कर्ज लिए और उनकी तरजीहात में ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिससे कि आपके जो मेन सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या ज़रई सेक्टर हो, वो उनकी तरजीह नहीं रही। आपने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बतदरीज गिरती रही, आपने देखा कि ज़रात जो है वो स्टैग्नेंट रही, उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट रही, और आपने देखा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बतदरीज गिर रही थी, कोई सरमायाकारी नहीं हो रही थी। इन हालात में उन्होंने संभाला और इकदामात उठाए, उससे बेहतरी के आसार शुरू हुए हैं, वक्त लगेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन थी और उस चैलेंज का मुकाबला, जो भी उनकी जगह आएंगे उन्हें भी एक चैलेंज का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बेदर्दी से मुल्क के खजाने को न सिर्फ लूटा गया बल्कि गलत हिकमत अमली से
मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। आप जानते हैं कि डॉलर को आर्टिफिशियल लेवल पर पैक किया गया था। जितने माहिरीन माशियात थे वो समझ रहे थे कि ये आर्टिफिशियल लेवल पर खड़ा है और उसको अपना इक्विलिब्रियम सीख करना है, और आपने देखा कि उस इक्विलिब्रियम को जैसे सीख हुआ तो डॉलर ऊपर बढ़ा, रुपया डिप्रिशिएट हुआ, उससे महंगाई का इम्पैक्ट आया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इकोनॉमी की रिस्ट्रक्चरिंग होनी थी, जो पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकॉनमी को हैमरेज कॉज कर रही थी, पिछले 10 साल में बातें की गई लेकिन इस्लाहात ना की गई, उनको रिस्ट्रक्चर ना किया गया और वो लॉस मेकिंग रही। आपने देखा कि जो गर्दिशी कर्जा था, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो वो 480 अरब के लगभग था और उन्हें यक जुम्बश कलम उसको राइट ऑफ कर दिया गया, लेकिन जब वो गए तो 480 अदा करने के बावजूद वो 1200 अरब का मजीद सर्कुलर डेट छोड़ के गए, तो ये हालात आसान ना थे। सर ये बताइएगा, इस्लामाबाद और गिर्दोनवा में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब नए वजीर आजम हो सकते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप परेशान ना हो। अच्छा सर दूसरा जा रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा सर ये कहा जा रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप था, जहांगीर तरीन ग्रुप, असद उमर जो है वो शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप थे, इसलिए जहांगीर तरीन ने जो है वो उन्हें हटवाया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि दो बड़े रहनुमाओं की लड़ाई की वजह से असद उमर को जो है वो वजारत से हटाया गया? आपका सवाल जो जवाब चाह रहे हैं आपको नाकामी होगी। तरीके इंसाफ में कोई ग्रुपिंग नहीं है। ये सवाल जो पॉइंटेड सवाल आते हैं, मैं समझता हूं पीटीआई में कोई ग्रुपिंग नहीं है और ना होनी चाहिए, आ रहा है, और डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ दोस्तों की मुख्तलिफ राय होती है। एक राय आपकी हो सकती है, एक राय मेरी हो सकती है, हो सकता है मैं गलत हूं और आप सही हूं, हो सकता है आप गलत और मैं सही हूं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि आप मुख्तलिफ आरा को सुनकर फिर एक कंसेंसस उसमें से निकलता है, इवॉल्व करता है, तो इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जहांगीर तरीन साहब नाइल होने के बावजूद उनकी बात को अहमियत दी जाती है और पार्टी इजलास का बाकायदा हिस्सा बनाया जाता है, नाइल होने के बावजूद क्या इसकी वजह? आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, मायूसी हो गया। आगे चले, ये बताएं कि आईएमएफ ने ग्रोथ रेट पर बहुत डिसएक्सपेक्टेशन किया है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में ग्रोथ रेट को इंप्रूव होने के इम्कान हैं? देखिए यकीनन ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए, ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उससे रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं और गुर्बत में कमी भी होती है। अब सवाल यह है कि ग्रोथ रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? सोचने की बात यह है, ग्रोथ रेट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि पिछले 10 सालों में जो पॉलिसीज अपनाई गई उससे ग्रोथ रेट की हौसला शिकनी हुई, कोई ऐसे इकदाम नहीं हुए। ग्रोथ रेट बढ़ता है अगर मईशत में इन्वेस्टमेंट हो। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट गिर रही है, अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो मेरे भाई ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा? ग्रोथ रेट बढ़ता है अगर नेशनल सेविंग में इजाफा हो, अगर नेशनल सेविंग बतदरी गिरती चली जाएंगी तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा? कैपिटल फॉर्मेशन कैसी होगी? उसका नेशनल सेविंग से ताल्लुक है, ये तो बेसिक सवाल है। बजट भी आ रहा है, आईएमएफ के ग्राफ भी हो रहे हैं, के हवाले से आपने पूरी दुनिया में अपना एक किरदार जो है उसको निभाया है और आपने खारजा अमूर के साथ साथ आपके पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए आपने भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन ये तासुर आज पैदा हुआ है कि जो आज फैसले हुए हैं असद उमर साहब के हवाले से या आगे होने वाले हैं,
उसमें आप चूंकि पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं और भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जैसे कि आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें क्यों हटाया गया है। देखिए, अर्ज ये है, पार्टी की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से मामला होते हैं जिनको पार्टी के अंदर डिस्कस किया जाता है, मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होंगी जो मेरे इल्म में होंगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं शेयर करूं यहाँ, तो ये तो मुझे इतना तो ज्यादा दीजिए ना। बजट आने वाला है, आईएमएफ से मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस दौरान जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना का मुस्ताफ़ी होना मईशत के हवाले से, आगे मईशत का ये हाल है, क्या कहेंगे? देखिए, आईएमएफ के साथ जो आपके गुफ्तगू हुई है वो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको हमने दुरुस्त करना है, तो कैसे करना है? एक तो बुनियादी आपके इश्यूज है ना, वो जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, जब असद उमर वजीर खजाना थे तब भी वही थे, जब इसहाक डार वजीर खजाना थे तब भी वही थे, जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे तब भी वही थे, जब हफीज शेख साहब वजीर खजाना थे तब भी वही थे। ठीक है ना, ये जो आज इश्यूज जो आप पाकिस्तान की मईशत फेस कर रही है ये पिछले 8 माह के पैदा करदा नहीं है। जितना पढ़ा लिखा जी शऊर तबका है जो मईशत को माशियात को समझता है वो उस चीज से पूरी तरह बाखबर है कि ये इश्यूज नए नहीं हैं, ये क्रॉनिक इश्यूज हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा क्रॉनिक इशू रहा है, नैरो टैक्स बेस हमारा क्रॉनिक इशू रहा है, उसको ब्रॉडन नहीं कर सके, पहले भी तो वजीर खजाना रह चुके हैं ना, तो ये इश्यूज क्रॉनिक हैं। उसके लिए आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो कि इस हुकूमत ने किए हैं, और उसका जो अपना पॉपुलर फैसले नहीं हैं, लेकिन इतना बिगाड़ पैदा हो गया था कि हम वक्ती मकबूलियत को देखें या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखें, तो हकूमत ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए कड़वे और मुश्किल फैसले किए हैं और कुछ अरसा करने पड़ेंगे। पंजाब में शदीद बारिशों की वजह से शदीद तबाही आई है, लेकिन ये देखा गया है कि सीएम साहब या उनकी तरफ से या उनके किसी और सूबाई अहम अहदेदार जो है ना, उन्होंने मुल्तान या साउथ पंजाब में जो है ना उन किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और ना यहाँ आया। एक सेकंड यार, साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, इम्पोर्टेंट सवाल है बिल्कुल। जो पिछले 2-3 रोज में बारिशें हुई हैं, ज़्यादा बारी हुई है, उसमें बेपनाह नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद कल देखता रहा हूँ, आम की फसल मुतासिर हुई है, मकई की फसल मुतासिर हुई है, गंदम की फसल मुतासिर हुई है, हत्ता के जो चारा है बरसीम है वो भी मुतासिर हुई है, लोगों के जानवर भी मुतासिर हुए हैं, ये हकीकत है। अब ये खुदाई आफत है, उसका हकूमत ने फैसला किया है कि फिल फॉर जायजा लिया जाए और जिलाई इंतजामिया को कहा गया है, मुल्तान नहीं पूरे जनूबी पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी असेसमेंट करके भिजवाएं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, ताकि जो इलाके मुतासिर हुए हैं उनको आफत ज़दा डिक्लेयर किया जाए। यकीनन मैं खुद एक काश्तकार हूँ, मुझे बेपनाह तकलीफ हुई है देखकर, जब किसी की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी हो और कटाई के करीब हो और रातों रात ज़रा बारी से वो मलिया मेट हो जाए, तो उसकी जो दिल की कैफियत है मुझे उसका एहसास है। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस्तेकामत दे और उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे। अच्छा, दो वाक्या तुम्हें, बलोचिस्तान में, एक क्वेटा का और एक आज जो कोस्टल हाईवे का हुआ, लोगों को मारा गया, दहशतगर्दी बढ़ रही है, आप नहीं समझते कि इसके पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ है भारत का, लेकिन फिर भी हुकूमत चुप है? देखिए, अर्ज ये है
मैंने पहले भी गुजारिश की थी और फिर अर्ज कर देता हूँ कि हमें कुछ शक व शुबा नहीं है कि पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं, लेकिन हम कोई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगु नहीं करना चाहेंगे जब तक कि हमारे पास ठोस शवाहिद सामने ना हो। भारत ने पुलवामा के मामले में बगैर ठोस सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, उंगलियां उठाई। जब दुनिया ने उनको कहा कि एविडेंस दो, तो वो एविडेंस ना दे पाए, तो वो गैर जिम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। लेकिन आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कुछ कुवतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं, जो यहां फिरका वारियत को हवा देना चाहती हैं, जो यहां एक इंतशार पैदा करना चाहती हैं। हमें उन कुवतों को समझना है और मिलकर बशियत कौम के उनके आजाइम को नाकाम करना है, और इंशाल्लाह हम उन्हें नाकाम करने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह है कि पार्टी में नॉन इलेक्टेड लोगों का असर रसूख ज्यादा है, ये किस तरह इशारा कर रहे हैं असद उल्लाह? इसका जवाब वो दे सकते हैं, मैंने उनका ये बयान नहीं सुना। एक ये है कि आपने वजीर आला पंजाब तब्दील हो रहे हैं, सूबे वजारतें तब्दील हो रही हैं, वजीर मुताबिक हो रहे हैं, क्या वजीर आला पंजाब तब्दील हो रहे हैं? मेरे ऐसी इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। तुम साहब आपने सर आपने माजी में अच्छा एक वैप के हवाले वो आप समझते नहीं कि मौजूदा हालात में जो ज़रात की सूरत हाल है उसके लिए कोई फैप इस सिलसिले में अपना किरदार अदा? एक दूसरा है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है तो आप नहीं समझते कि खित्ते में पीस को बिल्ड करने के लिए कोई ऐसा एक जो है वो लाहेमाल देना चाहिए जिससे इस खित्ते में जो है ना पीस पैदा हो? जी आपके दो सवाल है। पहला सवाल वो है ज़रात से मुतल्लिक। मैं समझता हूँ कि ज़रात हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर इस मुल्क ने इस माली मुश्किल से बाहर आना है तो जो सेक्टर फिल फॉर डिलीवर कर सकता है वो ज़रई शोबा है, क्योंकि ज़रई शोबा ऐसा शोबा है जब उसमें बेहतरी आती है तो उसके इम्कानात और उसके रिजल्ट 6 माह के अंदर आ जाते हैं, यानी कि खरीफ की फसल और रबी की फसल जो है वो दो हमारे मौसम हैं और उनकी जो क्रॉप्स हैं उनका इम्पैक्ट सामने आ जाता है। अब बात मुकम्मल तो कर लेना भैया। अब मैं समझता हूं कि वफाकी वजीर ज़रात को और सूबाई वजीर ज़रात को और जो ज़रात की जिम्मेदारियां निभा रही हैं उन्हें फिल फॉर जो काश्तकारों की तंजीमें हैं उसमें फैप भी है जिसका आपने निशानदेही फरमाई, उसमें किसान बोर्ड है, उसमें किसान इत्तेहाद है, उसमें अंजुमन काश्तकारान हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनसे मशावरत करनी चाहिए और उनकी आरा को शामिल करना चाहिए। ज़रात पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी, पिछले 5 सालों में वो तवज्जो नहीं दी गई, और जब से ज़रात का महकमा सूबों को मुंतकिल हुआ है 18वीं तरमीम के बाद, अब उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है ज़रई शोबे की वो सूबाई हुकूमतों पर आ गई है। सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी लिमिटेशंस हैं, उन कैपेसिटी लिमिटेशंस को दूर करना होगा, उनकी बजट एलोकेशंस को इन्हांस करना होगा, हमें अपनी रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस चीज को सामने रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने चीन के साथ जब हमने बातचीत की है तो जो सीपैक 2 का हमारा फेज है उसमें हमने ज़रई शोबे को अहमियत देने की कोशिश की है और हम चाह रहे हैं कि चीन के जरिए हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, वो हमारी रिसर्च में हमारी मदद करें, वो हमारे नए बीजों के तैयार करने में हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम एग्रीकल्चर की फी एकड़ जो पैदावार है उसमें इजाफा कर सकें
और काश्तकार और काश्तकारी को मुनाफा बख्श शोभा बना सके। दूसरा सवाल आपका था खित्ते की पीस। खित्ते की पीस के लिए हमने पहले दिन से ऑफर की, इमरान खान साहब ने कहा आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। हमने करतारपुर राहदारी का दरवाजा खोला, हमने इन कशीदा हालात में भी मामलात को डी एस्केलेशन के लिए इकदाम उठाए, हमने भारतीय पायलट को बगैर किसी हीलो हुज्जत के हमने उसे वापस भारत को भिजवाया बगैर कोई शरायत आयद किए, हमने अपने हाई कमिश्नर को अपना रोल अदा करने के लिए वापस दिल्ली भेजा। अब वो आ गए हैं और अब उन्होंने सेक्रेटरी खारजा का चार्ज संभाल लिया है। तो हम इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन भारत में इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात में उस फेज से जब वो निकलेंगे और इंतखाबात मुकम्मल होंगे तो तवक्को की जाती है कि जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार होंगे, ताकि हमारे जो हल तलब इश्यूज हैं हम मज़ाकरात के ज़रिए उनका हल तलाश करें, क्योंकि हमारी राय में मज़ाकरात के अलावा कोई और दूसरा माकूल रास्ता नहीं है। सदारती निजाम की बात हो रही है, जी भाई और विकेट गिरना बाकी है, आप उनके बयान को कैसे लेते हैं? लाहौर भुट्टोदरदारी का कहना है कि एक विकेट गिर गई है, चार विकेट अभी हो सकता है, सियासी बयान है दे सकते हैं। सदारती निजाम के एक दफा फिर बात सुन रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? बेमानी बात है, और जो बंदे जरा भी शऊर रखते हैं वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेते। देखिए सरदारती निज़ाम कैसे आ सकता है? सरदारती निज़ाम के लिए आइन में तरमीम दरकार है। आइन में तरमीम कैसे हो सकती है दो चौथाई अक्सरियत के बगैर? कोई आपने लेजिस्लेटिव मूव देखा है? कोई आपने बिल देखा है जो सेनेट में पेश किया हो या नेशनल असेंबली में पेश किया गया हो जिसमें निज़ाम या आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की बात की गई हो? ये क्या सराइयाँ हैं? ये एक तबका है जो मुल्क में क्या सराइयों के जरिए अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसके अजायम हम भी समझते हैं और कुवतें भी समझती हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। और जितना पढ़ा लिखा और कानून दान तबका है वो इस बात को संजीदगी से नहीं लेता। साहब ने फरमाया कि आए मिल के बैठते हैं और मिसाक के मौशियत करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या अपोजिशन जमातों को सबको एक पेज में बिठा के मसाइल का हल निकाला जाए या वो नैब की तरफ से खींचातानी जारी रखी जाए? देखिए नैब अपना काम कर रही है। नैब की जिम्मेदारी क्या है? नैब की जिम्मेदारी है कि करप्ट अनासिर को बेनकाब करना और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना, ठीक है। वो एक खुद मुख्तार इदारा है, वो किसी के मातहत नहीं है, ना वो हुकूमत के मातहत है, ना वो तरीके इंसाफ से डिक्टेशन लेता है, ना किसी और पे लेता है। अगर मुकदमात कोई नए बने नहीं है, ये मुकदमात जितने हैं आपके सामने ये पहले के मुकदमा है, ये इसमें से एक मुकदमा बता दें जो तरीके इंसाफ ने बनाया हो, ठीक है। नैब को अपना काम करने दें, बल्कि नैब के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। नैब जो आपको बुलाती है और आपको सवाल नामे देती है, अब दयानतदारी से उनका जवाब दीजिए। आपसे जो पूछते कुछ हैं आप जवाब कुछ देते हैं, इससे पहलू तनी का जो है एक आंसर सामने आता है। लगता ये है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है और आप इसको सारी कार्रवाई को सियासत की नज़र करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अब जो तबका है, नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो इन डिस्ट्रैक्टिव हरबों को समझता है और जानता है कि हकीकत क्या है, और वो हकीकत की तह तक पहुंचना चाहता है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के इदारों से करप्शन को पाक किया जाए, करप्ट
عناصر سے پاکستان کو پاک کیا جائے, اور جب تک ایسا نہیں ہوگا اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ معاشی ترقی ہوگی. سر امیش کمار کا کہنا ہے کہ کابینہ میں 7 سے 8 بزرگ کی جو کارکردگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو تبدیل کیے جانے کے امکان ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رمیش صاحب سے پوچھئے. بات گردش کر رہی ہے, 2017 کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مخدوم صاحب خود الیکشن لڑیں گے اور سی ایم کے لیے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ. اچھا, یہ بڑی آج انکشاف کیا آپ نے, بڑا اچھا انکشاف ہے. دیکھیے, عرض یہ ہے, ایک عمل ہے, ایک قانونی عمل ہے, ایک پٹیشن ہے, وہ سپریم کورٹ کے زیر التوا ہے. ٹھیک, جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے. اچھا سر, ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے, وہ ملک کے قومی اداروں کے ہے, وہ اس سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں, ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں, ان کے احتجاج بھی سامنے آئے ہیں فوج کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت ظلم ہوا ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, بہت ظلم ہوا, اور ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں, اور ہمیں حت الوسا کوشش کرنی ہے کہ ان کو پوری طرح پروٹیکشن دی جائے. وہ بہت قیمتی شہری ہیں, بہت دیانتدار لوگ ہیں, اور بہت اچھا کام کرنے والے, اور محب وطن طبقہ ہے. تو ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے وہ بے نقاب ہوں اور کیفر کردار تک پہنچائے جائیں. تھینک یو.